हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन इशू का पार्ट टू, जिसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू। इससे पहले के पार्ट वन में हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं उन सारे जगहों को जो कि इजराइल फिलिस्तीन इशू से ताल्लुक रखते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे जगहों को कवर कर लिया गया है होलिस्टिक मैनर में, और वो प्रीलिम्स के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो वीडियो। तो उसका लिंक यहाँ आ रहा है, अगर आप उसे देखना चाहें तो इस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, माय नेम इज अभिनव राज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये जेविस जो हिस्ट्री है आज से 4000 साल पहले बिगिन होती है, शुरू होती है। यानी कि अगर हम ये जीरो मान लेते हैं टाइमलाइन, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव, और ये जीरो यानी कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है इस जगह पे, और आज हम करीब 2000 ईयर्स प्लस में हैं। तो ये कहेंगे कि इतना ही ईसा मसीह के जन्म से पहले यहाँ हिस्ट्री बिगिन होती है, जेविस हिस्ट्री। और आज से 3000 साल पहले यानी कि 1000 BC में, यानी कहीं इस जगह पर एक किंग डेविड होते हैं जो कि जेविस कम्युनिटी के होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं जेविस को यहूदी कम्युनिटी भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो लोकल्स और ट्राइबल्स थे फिलिस्तीन्स, उनको फाइनल डिफीट दे दिया किंग डेविड ने। और उसके बाद जो ज्यूज हैं या उन्हें हिब्रूज भी बोलते हैं, उनका वहाँ पर एक तरह से वर्चस्व कायम हो गया। और ये जो ज्यूज या हिब्रूज हैं, दे बिलीव दैट द पीस ऑफ लैंड हैज बीन गिवन टू देम बाय द गॉड। उनका ये मानना था कि जो क्षेत्र है इसराइल का, वो लैंड का जो पीस है वो गॉड के द्वारा उन्हें गिफ्टेड है। तो उन पर उस लैंडमास पर उनका पूरा हक बनता है। अगर आपने पार्ट वन देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये रेड कलर से जो एरिया दिखाया जा रहा है वो प्रेजेंट डे इसराइल है, लेकिन ये जो पूरा पीला कलर से कवर किया हुआ एरिया है ये 1000 बीसी का इजराइल है। यानी इतने एरिया पर ये जो किंग है, किंग डेविड, इनका राज था। ओके, बट 2000 इयर्स एगो एंड ऑफ जेविस रूल एंड रोमन एम्पायर स्टार्टेड रूलिंग। यानी कि जब 2000 साल आज से पहले करीब करीब ईसा मसीह के टाइम एरा में यहाँ पर रोमन एम्पायर मजबूती से उभरता है और जेविस रूल खत्म हो जाती है। ठीक है, रोमन्स डिस्ट्रॉयड जेविस टेम्पल्स ऑफ जेरूसलेम, जो कि जेरूसलेम में इनका सबसे पवित्र टेम्पल था जेविस टेम्पल, उसे भी रोमन्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड दे किल्ड लार्ज नंबर ऑफ ज्यूज एंड फोर्स अदर्स टू लीव देयर होमलैंड। यानी बहुत ही ज्यादा लोगों को स्लॉटर कर दिया गया, जो बच गए वो भागने के लिए मजबूर हो गए अपना होमलैंड छोड़ के। सो ज्यूज आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी से करीब करीब दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में ज्यूज कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। ओके, लेकिन ये रूट ऑफ राइवलरी यानी कि ये विवाद का मुद्दा जिसे बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं, क्या था? क्यों इतना ज्यादा उग्र हो गए रोमन्स की उन्हें इतना मारा गया ज्यूज को और भगा दिया गया? यानी कि ये राइवलरी थी क्रिश्चियंस और ज्यूज के बीच में। ठीक है, जस्ट आफ्टर जीसस वाज क्रूसीफाइड, यानी जब ये पिक्चर देख के आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, तो इस इंसिडेंट में न जाते हुए मैं इस पॉइंट टॉपिक पर ही फोकस करता हूं। तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच में। इनिशियल ये क्या था कि ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच में रिलीजियस राइवलरी थी, लेकिन ये क्रूसिफिकेशन के बाद ये पॉलिटिकल राइवलरी हो जाता है, जो कि बहुत ही एक वायलेंट रूप लेता है और इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि इन्हें ज्यूज को बहुत अधिक मात्रा में संख्या में वो मारे जाते हैं, और जो बच जाते हैं उन्हें देश निकाला कर दिया जाता है, एग्जाइल। एंड इन 70 CE यानी 70 AD कह लें, तो ये टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था।
यही जो जेविस टेम्पल की बात हो रही थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब एक नया टॉपिक जियोनिज्म। तो जियोनिज्म कहाँ से नाम आया पहले ये देखते हैं। इसराइल में एक अपलैंड है जिसे बोलते हैं जियोन माउंट और उसी से यह नाम निकल के आया है जियोनिज्म। तो जैसा हम समझ पा रहे हैं कि जियोनिज्म क्या है, ये एक कंसेप्ट है इजराइल्स नेशनल आइडियोलॉजी का, ठीक है, जिसे कि एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना जगाने की एक मूवमेंट है इससे रिलेटेड। ओके एंड इट स्टेट्स जुडिज्म इज रिलीजन एज वेल एज नेशनलिटी, ठीक है। जियोनिज्म का कहना है, इस आइडियोलॉजी का ये मानना है कि जो जुडिज्म है ये बस एक रिलीजन नहीं है, ठीक है, बल्कि एक नेशनलिटी भी है। यहां आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ज्यूज लोग होते हैं और वो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो रिलीजन है जुडिज्म। तो जुडिज्म रिलीजन के साथ साथ नेशनलिटी भी हो गया। उनका ये कहना है कि जो भी इसराइल में रह रहा है वो जुडिज्म होगा ऐसा। अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये इसराइल है और इसराइल में ये शहर है जेरूसलेम का और इसी जगह पर है जियोन माउंट, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन सी वाटर बॉडी है जो कि इसराइल के वेस्ट में है। अब ये कंसेप्ट ऑफ होमलैंड या मदरलैंड क्या है, जिसके की चर्चा पहले हो गई जियोनिज्म को लेके। तो जिस तरह से फ्रांस में फ्रेंच रहते हैं, जर्मन पीपुल के लिए जर्मनी है और इंग्लिश पीपुल के लिए इंग्लैंड, पोलैंड है पोलिस के लिए, तो उसी तरह से इजराइल का जो होमलैंड है ये ज्यूज के लिए होना चाहिए, उनका ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये मूवमेंट का शुरुआत कब होता है, ये जो जियोन मूवमेंट है, इट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी और ये तब कंसेप्ट निकल के आता है जबकि यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उस समय बहुत ही ज्यादा हवा होता है, यानी जब यूरोप में नेशनलिज्म फैला है, जब लोग अपने मदरलैंड के प्रति डेडिकेशन, डिवोशन और लव दिखा रहे थे और फ्रेंच रिवोल्यूशन का एरा था, उस टाइम को आप कोरिलेट करके देखिए, जैसे उस समय वहां नेशनलिज्म उभर के आ रहा था, तो उसी समय ये जियोन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था और इसके लीडर थे थियोडोर हर्जल, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम रॉन्ग, और ये व्यक्ति हैं ऑस्ट्रियन जेविस जर्नलिस्ट थे ये, और इन्होंने कहा कि दुनिया भर के जितने जेविस पीपुल हैं वो अपने होमलैंड को लौटे हैं। ओके तो ये तो 19th सेंचुरी है, लेकिन इससे पहले क्या सिचुएशन था जो ज्यूज थे जिन्हें कि फर्स्ट सेंचुरी में भगा दिया गया था उनके होमलैंड से और वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बस गए थे, तो उनकी क्या स्थिति थी वहां पर, उन्हें कैसा ट्रीटमेंट मिलता था। तो दे वेयर सीन एज एलियन पीपुल, मतलब बाहर से आए हुए थे और प्लस में सभी जानते थे कि जो भी ईसा मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ है तो उन्हें थोड़ा अलग नजर से देखा जाता था। दे वेयर फोर्स टू द मार्जिन्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, यानी यूरोपियन सोसाइटी के इन्हें मार्जिन पर ही रखा गया हमेशा से, और आने वाले समय में दे बिकम ट्रेडर्स, बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स, अल्टीमेटली साइंटिस्ट भी बने हैं बहुत सारे, और यहाँ तक कि जो 20th सेंचुरी में 50% जो नोबेल प्राइजेज मिले हैं वो ज्यूज को ही मिले हैं। तो ये बहुत ही परिश्रमी और सक्सेसफुल लोग हैं। इसके अलावा ये यूरोपियन सोसाइटी के अलावा रसिया, जर्मनी, तुर्की और पोलैंड में भी जाकर बसे। तो एक बार हम मैप पर देखते हैं कि ये लोकेशंस क्या हैं, ठीक है। ये जैसा मैप देख पा रहे हैं तो ये रीजन है रसिया का, ठीक है, उसी तरह से ये जर्मनी, ये पोलैंड और ये तुर्की, ठीक है, यहाँ पर ये इजराइल है। तो आप फिगर आउट कर पाएंगे कि ये क्या लोकेशन है। अगर रेफरेंस पॉइंट के लिए हम ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या लंदन यहाँ पर है उसे रेफरेंस पॉइंट अपना मान लेते हैं, तो आप फिगर आउट कर पाएंगे कि ये लोकेशंस कहाँ हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं चेंजेज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी W1 जिसे लिखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसके बाद क्या कुछ चेंजिंग आया जेवी सेटलमेंट में, फिलिस्तीन के लैंड में। टिल देन पॉपुलेशन ऑफ फिलिस्तीन वाज 6 लाख एंड 94% ऑफ देम वर अरब मुस्लिम्स। ठीक है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप मैप, इसमें जो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है ये फिलिस्तीन लैंड है, और इसमें रहने वाले जो लोग थे उसमें 94% मुस्लिम्स थे, अरब के लोग थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो जेविस थे उन्हें तो बहुत पहले ही फर्स्ट सेंचुरी में ही भगा दिया गया था यहाँ से, यहाँ बच गए थे वो अरब्स रहते थे, जिन्हें बहुत पहले हार का सामना करना पड़ा था जेविस से, लेकिन रोमन एम्पायर के आने के बाद समय में परिवर्तन हुआ था और तब से यहाँ आबादी 6 लाख आबादी थी फिलिस्तीन्स की। यानी ये बात हो रही है करीब करीब 1919-20 के लमसम की। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार डिफीट ऑफ जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, और उस समय तुर्की से लेके और जो भी अरब एम्पायर है उसमें ऑटोमन एम्पायर का रूल था। अब ये अरब एम्पायर कितने दूर में एक्सपेंशन था इसे मैंने बहुत अच्छे से डील करा हुआ है ये अरब स्प्रिंग टॉपिक में, जिसका लिंक यहाँ आ रहा है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, जब जर्मनी की डिफीट हो गई और उसके एलाई ऑटोमन एम्पायर, तो ये जितना इनका टेरिटरी था वो विनर्स यानी जो विक्टोरियस टीम थी ब्रिटेन और उसके एलाइज उन्हें दे दिया गया, और फिर वही बात है ये केक कटेगा सब में बटेगा। तो ये जो फिलिस्तीन का क्षेत्र था ये ब्रिटेन के हाथ लगा। ठीक है, और ब्रिटिश मैंडेट था, ब्रिटिश ने एक ये बात कह रखा था पहले से कि ज्यूज मूवमेंट इन फिलिस्तीन, इनका ये कहना था कि जो वो फिलिस्तीन का क्षेत्र है वो ज्यूज का है, यहूदी का है, और उन्हें वो मिलना चाहिए। ठीक है, जब इनके हिस्से में फिलिस्तीन का क्षेत्र आता है यानी ब्रिटिशर्स के हिस्से में, तो वो सारे जगह के ज्यूज को वापिस से इस लैंड पर भेजना शुरू करते हैं। और एक ये 1917 का बेलफोर डिक्लेरेशन है जिसमें कि ब्रिटिश डिक्लेयर्ड दैट फिलिस्तीन लैंड इज फॉर ज्यूज। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि फिलिस्तीन का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर ज्यूज पॉपुलेशन बढ़ने लगा, और धीरे धीरे बढ़ता गया, और यहाँ के जो लोकल्स थे यानी जो अरब्स थे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनके लैंड पर कोई बाहरी आकर रहने लग रहा है। आप वही सिचुएशन समझिए जो कि फिलहाल में बांग्लादेश का है, जहाँ पर कि रोहिंग्या मुस्लिम्स लगातार घुसते जा रहे हैं और वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोई भी लोकल पीपल ये नहीं चाहेगा कि कोई फॉरेनर आके उनके देश में रहे, उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे। तो उस केस में क्या होगा, फिर एक तरह से आक्रोश होगा, इंक्रीजिंग ज्यूज पॉपुलेशन इन फिलिस्तीन रीजन, और जो ये अरब्स थे वो ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटेन ही रिस्पॉन्सिबल था इस एरिया में ज्यूज का पॉपुलेशन इंक्रीज कराने के लिए बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटेन जो भी रिवोल्ट होता है उसको सप्रेस कर देता है ये ज्यूज मिलिटिया की मदद से। यानी मिलिटिया का मतलब क्या हुआ, जो भी वहां के गन होल्डर्स थे एक तरह से ये बोल सकते हैं उग्र नागरिक सेना, तो ब्रिटेन फाइनली सप्रेस कर देता है ग्रेट अरब रिवोल्ट को। लेकिन कन्फ्लिक्ट ये कभी रुका नहीं, और इस तरह से गैप बढ़ता गया फिलिस्तीन्स और ज्यूज के बीच में। कहने का मतलब है कि अरब मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में ये जो गैप है, दरार बढ़ती गई, करते करते एक सिविल वार होता है, गृह युद्ध होता है 1947 में, वही समय जब हम आज़ाद हो रहे थे। यानी इंडिया को जब इंडिपेंडेंस जिस ईयर में मिली उस समय यहाँ पर एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इस तरह से कुछ कन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, और ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद
इनका नाजी के द्वारा होलोकॉस्ट होता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ ग्रेट डे।